السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدل الله فلا مدل له، ومن يدلله فلا هادي له. وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسانا ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو لئب وله وزينة وتفاقر بينكم وتقاصر في الانظال والاولاد كما سلغيس غيث اعجب الكفار كما غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هتاما ومن الاخرة عذابا شديدا ومغفرا मेरे मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों बुज़ुर्गों अल्लाह ताला ने हर इंसान की ज़िंदगी पाँच ही दिन की बनाई है हफ्ते में सात दिन होते हैं एक पैदाइश का दिन एक मौत का दिन बचे पाँच ये पाँच दिन हैं ज़िंदगी के और अल्लाह ताला ने तैयामत में जो हर इंसान से सवाल होना है वो भी पाँच रखे हैं हर इंसान कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता क़्यामत में उस वक्त तक उस वक्त तक जब तक वो पाँच सवालों के जवाब ना दे दे फ़ीमा अफना, अफनाम्र ही फ़ीमा अफना उम्र कहाँ गुजारी उम्र कहाँ गुजारी वन शबाबी ही फ़ीमा आफना जवानी कहाँ गुज़ारी वन अमाली ही आनक़सब माल की क्या शक्ल थी हलाल था हराम था जायज़ था नाजायज़ था चोरी से कमाया या जाए। हलाल तरीक़े से कमाया उसकी क्या शक्ल थी वो आख़िरत में सवाल है वफ़ीमा अनफ़ और इसको खर्च कहाँ किया इसको खर्च कहा अलिमा बिमा आलिम और जितना जानते थे उस पर अमल क्या किया ये पास सवालों के जवाब दिए बगैर कोई इंसान अपनी जगह से न हिल सकेगा न कोई इंसान अपनी जगह से सरक सकेगा न कोई इंसान अपनी जगह से हिल सकेगा उस वक्त तक जब तक ये पाँच सवालों के जवाब ना दे दें और ये पाँच सवालों की जवाब की तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी बनाई है और इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हर इंसान की ज़िंदगी के पाँच हिस्से रखें क़ुरान तो भाई क़ुरान है हम अल्लाह हमें कुरान से मुनासबत की तौफीक नसीब फ़रमाएँ सुबहानल्ला क्या कुरान फरमाता है अन्नमल हयात दुनिया लईबों वल्हबों वीनतों व तफ़ाकरम बकम व तकासबों व लहबों लईब कहते हैं खेल हर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए हर चीज़ खेल होता है चॉकलेट वाले को देख रहा है टॉफ़ी वाले को देख रहा है बाजारों को देख रहा है बाज़ार को समझ रहा है उसके लिए हर चीज़ खेल होती है हर चीज़ उसके लिए खेल और तमाशा है उसकी ज़िंदगी में अभी कोई कोई मायने नहीं आए और उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ खेल है साइकिल को देखता है कभी पेड़ को देखता है और तमाशा है कभी खिलौने के साथ खेलता है लेकिन एक उम्र जब यह ख़त्म हो जाती है तो इंसान के ऊपर एक उम्र आती है वो आती है उसकी जवानी की उम्र और उस उम्र में उसको फ़ैशन है अब उसकी जो चाहते हैं वो बदल जाती हैं अब उसकी जो चाहते हैं वो बदल जाती हैं अब वो फ़ैशन की तरफ जाता है अब वो फैशन की तरफ जाता है और फैशन में उसकी उसको उसकी चॉइस के कपड़े चाहिए उसको उसकी चॉइस के जूते चाहिए उसको उसकी चॉइस के बाल होना चाहिए अपने बालों को बनाता है अपनी अपनी कपड़ों को सवारता है अपने कपड़ों के बारे में कॉन्शियस होता है और अपनी चाह अपनी मर्ज़ी की को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने आप को बनाता है माल कहाँ से आ रहा कौन कमा रहा है बाप पे कितना कर्जा है इसको इसकी कोई परवाह नहीं घर में कौन मर रहा है कौन की मौत आ रही है किसकी किस किस किसका, किसका कर्जा बाप के ऊपर है कि इसको इस बात की कोई परवाह नहीं होती इस उम्र में जब बच्चे पे जवानी आई है और ये इसके लिए कोई चीज़ इसको फ़र्क नहीं पड़ती माल कहाँ से आ रहा है कौन कमा रहा है कहाँ खर्च हो रहा है इसको इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई नहीं फ़र्क पड़ता इसकी जवानी इसकी जवानी आई है अब अब इस पर जवानी आई है और ये बिल्कुल दीवानों की तरह हो जाता है ऐसे दीवानों की तरह और इसकी जवानी होती है बाप के बाप कहता है बेटा हमारी अब ऐसी हैसियत नहीं है हम ये जूते नहीं ले सकते ये कपड़े नहीं ले सकते ये गाड़ी नहीं ले सकते तो फरमाता है फिर बाप क्यों बने क्यों इसको इसकी कोई परवाह नहीं है किसी की क्या इसको ऊपर इसको सिर्फ मे, मे, मेरी मेरी चॉइस पूरी होना चाहिए मेरी मर्ज़ी पूरी होना चाहिए कि किसको ऊपर कितना गुजर रहा है किसके ऊपर कितना कर्जा है इसके ऊपर इसकी कोई परवाह नहीं है कोई परवा नहीं बस मुझे मेरी चाहतों से मतलब है ये उम्र होती है फैशन की और इस उम्र के बाद जो आता है इंसान के उपर जब इंसान अट्ठाईस से पच्चीस से तीस साल की उम्र में पहुँचता है तो गुरूर के नारे लग जाते हैं जो इसने जो एक हैसियत अपनी हैसियत और अपनी चाह अपनी जो मरतबा उसको इसको इस बात का गुरूर होता है कि इसक, इसको अल्लाह ने जो हैसियत दी है इसके ऊपर ये गुरूर करता है मैं हम हमारा खानदान तो बहुत ऊंचा है हमारा खानदान बहुत ऊंचा है हमारे ख़ानदान बहुत ऊंचा है हम अपने हम हमारे ख़ानदान की ये है हमारे हमारे पास ये गाड़ी है हमारे पास ये है हम हमारे हमारे बच्चे ने हम हमारा हमारे घर हमारा घर इतना बड़ा है हमारे घर हमारे घर घर इतना बड़ा है हमारे घर में ये है हमारे घर में वो है आई एम समथिंग आई एम आई एम को एक अकड़ के चलता है अपने आप को गुरूर में आता है तो ये अपनी आ, अपनी हैसियत को भूल जाता है आ, कि फरमाया इन, गया कि इंसान को गुरूर करने का हक़ क्या है ये तो मिट्टी का बना है और मिट्टी का हो जाएगा लेकिन अपनी हैसियत को भूल जाता है अपनी हैसियत को भूल जाता है और यह गुरूर में आता है अपनी हैसियत को भूल के गुरूर में आता है और यह गुरूर में रहता है और इसलिए इसको तो इसकी कोई परवाह नहीं होती कि किसके पास क्या तकलीफ़ है ये सिर्फ गुरूर अपने गुरूर अपनी अपनी हैसियत के में जीता है ये सब भूल जाता है सब कुछ भूल जाता है और इसको सिर्फ अपनी अपनी नाक अपनी नाक को ऊपर रखने के चक्कर में ये इतनी लड़ाइएँ कर लेगा और ये इससे जाके झगड़ लेगा और ये उसको मार मारेगा और इस उ, कत्ल हो जाते हैं लोग लोगों को मार डालते हैं अपनी नाक की वजह से अपनी अपनी गुरू की वजह से अपने किब्र की वजह से और ये उम्र से जब बाहर निकलता है तो इसके ऊपर आता है इसके बाद इसकी जो होती है माल औलाद की कसरत फिर ये अपने औलाद के लिए जीता है क्या ऐसा बोलता है कि मे चाहे मे, मेरा कुछ ना हो मेरे बच्चों की शादी हो जाए चाहे फिर चाहे मेरे को मौत आ जाए तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे का घर सेटल हो जाए मेरी बच्चे की नौकरी लग जाए मेरे बच्चे का परेशानियाल हो जाए मेरे बच्चों को वो हो जाए मेरे इसको इसकी कोई परवाह नहीं यही ज़िंदगी की हकीकत है इंसान जिस के लिए अपनी सारी ज़िंदगी और इसी चक्कर में रहता है और ये अपनी पूरी जिंदगी इसी इन्हीं पाँच हिस्सों में रहकर इंसान गुज़ार देता है ऐसा नहीं है कि इंसान को इस इन पाँच हिस्सों में नहीं रहना नहीं इन्हीं पाँच हिस्सों में रहना है इन पाँच हिस्सों में रहकर आख़रत के पास सवालों की तैयारी करना ये इंसान का मकसद है ये इंसान का मकसद है नशे कई तरीक़े के होते हैं जवानी का नशा तो एक है लेकिन कई तरीके के नशे होते हैं तीन बुनियादी तौर पे जो नशे होते हैं एक होता है दौलत का नशा हाँ और एक होता है हुकूमत का नशा एक होता है इल्म का नशा ये तीन तरीक़े के नशे होते हैं और दौलत का नशा तो ऐसा नशा होता है कारून ने दौल मूसा सलाम ने कारून से कहा ये अल्लाह का दिया हुआ है इसको सही इस्तेमाल करो तो कारून ने दौलत के नशे में का था इन नमा तो जाओ जाओ मेरा है मेरा ये तो वो तो कानून का नारा दौलत का नशा और फिर फे, फ़िरौन का नारा हुकूमत का नशा नशादे की घमंड में कहा था फ़िरौन ने अना रब को मला तो फ़िरौन का नारादे का नशा और एक नशा होता है इल्म का नशा इल्म अपनी जगह पे बहुत सही है लेकिन अगर ये इसका मसरक इल्म का मसरक अल, अगर गलत हो जाए तो ये अपने अंदर एक अंगूर तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है लेकिन इसका इस्तेमाल अगर ठीक करें अंगूर का तो ए, कितनी शुगर बनती है कितनी फ़ायदे की चीज़ है और अगर इसका इस्तेमाल ग़लत हुआ तो शराब भी अंगूर की बनती है इसलिए इल्म अपनी जगह बहुत फ़ायदे की चीज़ है लेकिन अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये नुकसान देगा और जवानी तो जवानी दीवानी हकीम अजमल ख़ान ने कहा है अशबाब जुनून वली जुनून फ़ुनून अकलून कि जवानी दीवानगी पैदा करती है हाँ सत्तर कई तरीक़े की दीवानगियाँ हैं जवानी के साथ इसलिए हम भी सलाम की पहले दिन से जो मेहनत रही है वो सारे के सारे लोगों को सारों के सारे लोगों की जो जान और जो माल और जो वक्त और सलाहियतें चीज़ों पे और दुनिया पे लग रही हैं उनको वहाँ से निकाल कर उनको वहाँ से निकाल कर दीन के लिए दीन के लिए अब उनकी मेहनत उनकी जान उनकी माल को दीन के लिए इस्तेमाल कराने वाला बना यही रही अम्बी आल सलाम की पहले दिन से मेहनत अम्बी आल सलाम ने सारे लोगों लो की सलाहियतों को और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दो ख़ानदानों में लड़ाई चल रही थी जिनको यसरप कहा जाता है और डेढ़ सौ सालों से लड़ाई चल रही थी कई जाने गई कई नुकसान कि चल रही है लड़ाई उनको और अर, अर, अरब में शराब के कई नाम हैं तीन सौ से ज़्यादा नाम आते हैं शराब के अरबी लगत में और जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है ना उसके बहुत नाम लिखता है तो उनकी सलाहियतें शराबों पर और जामों पर और रक्स गानों पर उनकी सलाइयों को वहाँ से निकाल कर उनको उनकी सलाइयतों को दीन पर लगाना ये अम्बी आल सलाम की मेहनत रही और आप अलैहि वसल्लम की भी यही मेहनत रही है कि लोगों को दुनिया के फैले हुए नक्श व निज़ाम में और फ़क्र गुरूर के नारों से और दीवानगियों से निकाल कर उनकी जान को उनके माल को उनके वक्त को आखिरत के लिए अम्बली सलात वसलाम ने तैयार किया ये अम्बल सलातम की मेहनत रही हमारी बुनियादी तौर पर जो ज़रूरत है वो यही है कि हम अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें हम अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें यही हमारी ज़रूरत है अगर हमने अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया तो हम कामयाब हैं। और अगर हमने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया तो हम नाकाम हैं इसलिए हमें अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कराना है हमें अपने आप को अपनी जवानी को दाय होने से बचाना है और ये तो भाई कुरान है और क़ुरान फरमाता है ये ऐसा है जैसे कि काशकार का बोया हुआ बीज कैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि काशकार का बोया हुआ बीज जिस तरीके से काशकार का बोया हुआ बीज जब काशकार अपना बीज बोता है तो उसको उस बीज से उम्मीद होती है और इसी तरीक़े से जब जब मियाँ बीबी मिलते हैं तो औलाद की उम्मीद से मिलते हैं कि उसको अब उम्मीद है औलाद की औलाद की तमन्ना और उम्मीद से मिलेंगे और जब मियाँ बीबी मिलते हैं उनकी सबसे पहली तमन्ना ये होती है कि साहिब औलाद हो और और उसी की में उम्मीद में लग जाते हैं और जैसी उम्मीद होती है तो लड़का अपने दोस्तों में लड़की अपनी सहेलियों में लड़की अपने रिश्तेदारों में यह फरमाती है कि उम्मीद है और लोग खुश होते हैं लोग उम्मीद को खुश होते हैं और उसके बाद ये जब ये जब इस जब काचकार का बोया हुआ बीज कोपल की शक्ल में निकलता है और काशकार मिठाइयाँ बटवाता है और काशकार खुशियाँ मनाता है और इसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बटी जाती हैं और मुबारकबाद दी जाती हैं और मुबारक होती है कि कौन मा मामू बन गया कौन कौन चाचा बन गया कौन को, को कौन भाई बन गया और कौन और, और कौन बाप बना सारी मुबारकबाद दी जाती है पूरा घर में इसी तरीके से की यहाँ भी खुशी होती है बीज डालने से और वो बीज कोपल की शक्ल में बाहर आता है इट बिल्कुल मासूम सा बाहर आता है जैसे बच्चा होता है छोटा सा बिल्कुल मासूम सा बच्चा होता है कि इसको बिल्कुल मासूम इसके अंदर कोई अभी समझ नहीं आई और इसको कोई इसके अंदर चालाक ही नहीं आई और ये जैसा इससे कहा जाता है वैसा कर लेता है जैसा चाहो वैसा ये हो जाता है और इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद जब ये उम्र ख़त्म होती है तो उसके बाद और जब ये उम्र ख़त्म होती है तो इसके बाद एक उम्र फिर जबकि बीच बीच थोड़ा सा बड़ा होता है तो, तो एक कभी इधर हवा चली तो इधर जाता है कभी उधर उधर हवा चली तो उधर चले जाता है वो जैसे जैसे इंसान पे बच्चे पे जवानी आती है तो कभी बाल यहाँ से सवारता है कभी लट यहाँ से निकालता है कभी अपनी लटों को लंबा करेगा कभी अपनी लटों को छोटा करेगा और इसी में खुश होता है वो और अपनी फैशन में आता है और जब वो वो हल्का सा पेड़ होता है पीला सा पैदा होता है छोटा सा और उस पर वो फिर थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर इंसान पे जब जवानी आती है तो फिर वो बड़ा होता है और फिर थोड़ा थमता है फिर आपस में हिलना जुलना बंद हो जाता है हुजूर ने जो तक दीन को ज़िंदा करने के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की वो ह्यूमन लेवल पे बर्दाश्त किएँ उसमें ग़ैबी नुसरतों का ग़ैबी नुरतें बिल्कुल ना के बराबर हैं तकलीफ़ें झेल कर मसाइल बर्दाश्त कर कर और फाक़े झेल कर दो सौ दो सौ दो टू सिक्सटी नाइन लाशें अपनी देख कर और अप, 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 ताइफ में तो ताइफ में तो पत, पत्थर पत्थर बर्दाशत करके तइफ में तो और सामने से सा, गए हैं तीन बादशाहों के पास और उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने उनके पीछे गुंडे लगा दिए कि देखो जाके इनकी ये नबी बोलते हैं ना इनकी ख़बर लो और उनके साथ सिर्फ जैद इबिन और जैद इब्न इस आगे से आगे आगे से आते हैं तो पीछे से पत्थर आ जाते हैं और पीछे जाते हैं तो आगे से पत्थर आ जाते हैं और गुंडे आए और इसी इसी हालत में नूदगी के हालत में जाके बैठे और अलूदगी के हालत में जाके बैठे हैं थक कर तो वहाँ से गुंडे आते हैं कंधों के अंदर हाथ डालते हैं और उनको उठा और कंधों में हाथ डालते हैं और उनको उठा के ले जाके फेंकते हैं और उनके साथ ऐसा ह्यूमन लेवल पे जो दीन के लिए उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं वो तो ह्यूमन लेवल हैं वो तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की और फाख़े झेले अपने और तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की वहाँ पर गैबी नुसरतें नहीं थी वहाँ पर गैबी भी शामिल नहीं थी इतनी वो तो दीन के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं ताकि दीन ज़िंदा हो जावे, तकलीफ़ें झेल कर मसाइल बर्दाश्त कर कर और अपना ख़ून ज़मीन पे गिरता हुआ देख कर और फाखे बर्दाश्त करते हुए और दो सौ उनसठ अपनी लाशों को देख कर और दीन दीन के लिए ह्यूमन लेवल पे जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं आप वसल्लम ने वो 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 उम्मत को एक एक दावत देने के लिए है कि दीन 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 को किसी हाल में किसी शक्ल में किसी शोबे में छोड़ना नहीं है इसलिए कि उनके साथ अल्लाह की मदद हो सकती थी लेकिन क़्यामत तक आने वाले लोगों को दावत देने के लिए ये 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 पैगाम दे दिया कि तकलीफ़ें बर्दाश्त कर जाओ मुश्किलें सह जाओ फाखे सह जाओ और अपना खून खून गिरना सह जाओ लेकिन दीन उसके लिए उस उस पर उसके उसको मिटता हुआ ना देखो दीन को छोड़ो ना दीन के साथ खेलो ना दीन के साथ कोई भी जरा बराबर भी समझौता और जरा बराबर भी दीन पर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए ये दावत क़यामत तक आने वाले लोगों को देगा और बता दिया कि दीन ही कामयाबी का रास्ता है दीन ही दीन में चलोगे तो कामयाब होगे। और इसी तरीके से जब पेड़ पेड़ जब बढ़ता है तो जम जाता है और उसके जमने के बाद एक ऐसा मौसम आता है एक ऐसा वक्त आता है पेड़ पर कि जब पेड़ 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 पे पेड़ पे पतझड़ का मौसम आता है उसकी पत्तियां गिरती हैं और फिर एक वक्त आता है पेड़ सूख जाता है बिल्कुल ख़त्म उसके अंदर कोई अब ताकत नहीं रही और उसके ना पत्ती लाने की ताक़त ना फूल की ना फलों की कुछ नहीं बस सूख के पत्थर हो जाता है और एक दिन एक किसी हवा चलती है और उस हवा में वो टूट के गिर जाता है इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी बतलाई गई है एक वक्त आता है कि मौत उस पर आ जाती है और उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है कोई बचाने वाला नहीं होता है उसके आमाल उसके आमाल उसने जैसी जिंदगी गुजारी होगी वो कयामत में के दिन उसको उनके सवालों के जवाब देना होगा ऐसा। कि ऐसा नहीं हो सकता ईमान वाले आमन्ना कहें और उनका इम्तिहान ना हो आमन्ना जिसने कहा उसका इम्तहान होगा यकीनन होगा अलिफ लाम मीम यान अलीफलासिब्नाकुल अमन्ना ईमान वाले अमन ना कह दे और हम इम्तहान ना ऐसा नहीं हो सकता ये इम्तहान तो होगा लेकिन उस इम्तहान में जो इंसान जो इंसान इम्तहान में पास हो जाएगा वो अपने दीन को कायम करने की वजह से होगा अगर दीन को कायम करेंगे तो अल्लाह इम्तहान में कामयाब कर देंगे और अगर दीन को कायम ना किया और दीन को दीन को मिटाने वाला बना तो उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी उसकी क़ब्र तंग हो जाएगी उसकी आखिरत तंग हो जाएगी उसके पुलसरात मुश्किल का हो जाएगा उसके लिए कोई आसानी का मामला नहीं होगा इसलिए अक्ल शख़्स उसी को कहा गया है जो अपनी मौत की तैयारी कर ले जो अपनी मौत से पहले सुमा या कून होता ना फिर आता है कि अगर वो फसल है तो वो कट के चूरा चूरा हो जाती है और पेड़ है तो जर्द हो जाता है लेकिन उसकी ख़त्म हो जाता है वो उसका कोई वो बचा नहीं रहता और ये एक प्लांट एक प्लांट लाइफ है और एक लाइफ है इंसान इन, इन, की ये इन पाँच हिस्सों में रह के गुज़रना है एक खेल है खेल आएगा ही आएगा जो जो इंसान देखो एक होता है कोई महल में रह, रह रहा है तो उसके खेल के सामान अलग हैं कोई झोपड़ी में रह, रह रहा है तो उसके खेल के सामान अलग हैं आपने देखा होगा मे, महल में अच्छे घर में रहने वाले बच्चे खिलौने से खेलते हैं और और झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे सड़क पर खेलते हैं वो सड़क पर खेल रहा है नाली से खेल रहा है गंदे पानी से खेल रहा है लेकिन उनका खेल है वो उनका खेल है वो खेलना वो उनका खेल है वो खेल रहा है इसी तरीके से इंसान खेलता रहेगा और और उसके बाद उसकी उ, 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 उम्र गुज़रती है तो लईब हूँ वलाब हूँ वफ़िल आख। फिर आखिर में जो है फ़रमाने गया है ये सपरेशन कहाँ होगा ये अलग कहाँ हो जाएंगे हर इंसान के ऊपर ये पांच हिस्से आना है लेकिन आखिरत में जाके वफिल आखिरत आख़रत अज़ाबों शीदों ये आखिरत में जाके बिल्कुल अलग हो जाएंगे ये या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे और दुनिया है दुनिया इस्तेमाल वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर वमल हयात दुनिया इल्ला लबों वलाब तो तो दुनिया तो दुनिया इस्तेमाल की चीज़ अल्लाह ने बनाई है और इसको इस्तेमाल करना है लेकिन 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 इसको इस्तेमाल करना है ज़ूत के एतबार से दुनिया के तालिब न बनना है दुनिया के मतलूब आखिरत हो मकसूद आखिरत हो आखिरत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारना है दुनिया को ज़वूत का चीज़ समझ कर दुनिया को इस्तेमाल करना है और दुनिया सिर्फ़ एक ज़ूरत गाह है और इसको एक ज़वत के एतबार से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमको फ़ायदा होगा और अगर हमने इसको ज़ूत के अतबार से इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमें नुकसान देगी जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं जो जिनके पास अच्छा खेलने को नहीं होता वो सड़क पे खेलते हैं दूसरी तरीके से खेलते हैं लेकिन खेलते हैं इसी तरीके से गुरूर जो आता है गुरूर और तकबर उसमें भी आता है जिसके पास अच्छा बंगला ना हो जिसके पास गाड़ी ना हो जिसके पास छोटी छोटा सा झोपड़ा भी क्यों ना हो और जिसके पास छोटी सी चीज़ क्यों ना हो और जिसके पास बल्कि ऐसे में ज़्यादा होता है तकबर अपने नफ्स को खुश करने के लिए इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्त अजीज़ बुजुर्गों असल असलमंद शख्स वो है जो अपनी मौत की तैयारी करे जो अपनी मौत की तैयारी करे शराब हराम हुई नहीं है शराब हराम करवाई जा रही है क्यों क्योंकि इससे नुकसान हज़रत आए की शराब को हराम कर दीजिए आप फरमाना है मैं कैसे ऐसी चीज़ को हराम कर दूँ जिसको अल्लाह ने हलाल किया हुआ है नहीं वहाँ पर हलाल चीज़ के भी नुक़सान देखे जाते थे और यहाँ हराम चीज़ के भी फ़ायदे देखे जा रहे हैं इसीलिए जब दीन दीन की आजमत नहीं होती तो चीज़ों को चीज़ों हराम चीज़ों के फ़ायदे देखे जाते हैं और जब दीन की आजमत होती है तो हलाल चीज़ के भी नुक़सान देखे जाते हैं और अल्लाह की तरफ़ से अल्लाह ताला की तरफ़ से आयत नाजिल हो गई कि शराब हराम हो गई है हाँ तो इस दीन को पहुँचाने के लिए जिस मेहनत तो और जिस जद्दोजहद से आप गुज़रे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत की अगर रोशनी में देखें तो दीन के लिए फ़ाके बर्दाश्त किए और तकलीफ़ें बर्दाश्त की, की और जद्दोजहद की और ह्यूमन लेवल पे जो देखा जाए अगर हम ह्यूमन लेवल पे देखें कि इस टीम के खातिर जो तकलीफ़ें वो जो परेशानी आई जिस जिस हैं जिससे जिससे गुज़रे हैं इसीलिए दुनिया तो एक गुज़रगा है आदमी माँ के पेट से निकला है हर क़दम मौत की तरफ़ जा रहा है हर क़दम वमल हया तो दुनिया लईबू वलाब ये दुनिया दुनिया धोखे का घर है धोखे का सामान है लईबों वलाब खेल तमाशा है लेकिन ये दुनिया उसके लिए खेती है जिसको आखिरत की फ़िक्र है इसलिए कि दुनिया खेती है आख़रत के अतबार से यहीं पर कुलया कुल अहलिल कुल किताबी लस्तमला शीन हतम तवरात वाल जीला ए नबी जी आपने अल्लाह ने आप सल्लाम को फ़रमाया कि कह दीजिए इनसे कि जो जो शख्स जो शख्स हक हाँ बात की तरफ आएगा जो शख़्स किताबों की दावत को कबूल करेगा तो कामयाब होगा क्योंकि दुनिया खेती है यहीं पर जहाद करना है यहीं पर दावत और तब्लीग का काम करना है और असल तो अपने दिल को बदलना है करेंगे सब साथ ही इन करना है और असल तो दिल को दिल को अल्लाह ताल कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए इसलिए कि दिल खुलेगा तो अमल होगा मौलाना मंजूर नौमानी साहब ने कहा है बड़ी असल तब्दीली दिल की है Dima Kto kraiga v akilih.